दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप सब भी ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहे होंगे और बहुत लोग बना रहे हैं, इनफैक्ट पूरे भारत में सब इसी के तरफ लग रहे हैं। दोस्तों कुछ लोगों की ड्रीम इलेवन ने जिंदगी बना भी की है और कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर दी है। ऐसे ही हमारे पास एक दोस्त आया है जो पिछले 2 से 3 साल से ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहा था। शुरुआत में उसने कुछ पैसे जीते भी, थोड़े थोड़े लगाए, लेकिन जब से 11 करोड़ का मेगा कॉन्टेस्ट चला है तब से उसने अपने पैसे लगाने की जो मात्रा है वो चौगुनी कर दी थी। उसकी वजह से वो पिछले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ही तकरीबन 50,000 रुपए लॉस में चला गया। आइए हम उसी से जान लेते हैं उसकी कहानी, किस तरीके से इतना बड़ा स्कैम हुआ उसके साथ। कितने दिन से खेल रहे हो ड्रीम इलेवन तक? तकरीबन 2 या 3 साल से। आप अब तक कितना लॉस हो चुका हो इसमें? 50-60 हजार रुपए लॉस में चले। और आप ने एक भी बार भी नहीं जीता? नहीं जीते हैं, एक दो बार इसमें 1,000 रुपए या 2,000 रुपए तक नहीं हो जाते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। आपको ये लत कैसे लगी? ये एक दो दोस्त थे जो खेलते साथ में, बोले थे आप भी 1 करोड़पति बन सकते हो, हेड करते हैं ना बड़े बड़े लोग क्रिकेटर। जी 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 बिल्कुल, उनके सीख के जैसे बताते हैं कि आप भी 1 करोड़पति बन सकते हो। देख आप देख रहे हो दोस्तों कि जो ऐड होते हैं ये आदमी की साइकोलॉजी को भी चेंज कर देते हैं, उसके दिमाग को भी बदल देते हैं। इस तरीके से हमें लगता है कि शायद हम भी करोड़पति बन जाएंगे और हम टीम लगा देते हैं। एक दो बार हमारी एंट्री वापसी आ जाती है, लेकिन वो ऐसी लत लग जाती है कि उसके बाद हम लगाते ही चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल आता होगा आपके भी जहन में, मेरे भी जहन में आ रहा है कि हर रोज जो 1 करोड़पति बना रहा है, जो एक रैंक एक आ रही है ड्रीम इलेवन के अंदर, वो भी तो किसी तरीके से 1 करोड़ रुपए के आसपास जीत ही रहा होगा। अब क्या वो रियल है या फिर ऐसे ही हम सबका बनाया जा रहा है? इस भाई से पूछते हैं आपको क्या लगता है कि जो रोजाना 1 से 10 के बीच में रैंक आ रही है वो लोग करोड़ रुपए जीतते हैं, क्या वो झूठ है? क्या कहना है? मेरे ख्याल से झूठ ही लगता है, क्योंकि सब उनके बंदे लगते हैं मुझे तो। हाँ शायद ये बात सच भी हो सकती है कि जो रैंक एक आती है वो ड्रीम इलेवन के ही किसी डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा जो उनके साथ मिलजुल कर पूरी लोगों को पागल बना रहा होगा, और हम सब भी उस चीज को देखते हुए अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारे साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या जो नए लोग आ रहे हैं वो पैसे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, मिनिमम वही वापस आएगी, नहीं तो सब कट जाएंगे, वो भी एक दो बार एक दो बार या थोड़े 100 रुपए या 50-60 रुपए भाग तो आ जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी आप एक दो बार तो आपकी एंट्री वापसी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आप हारते चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि शायद अब की बार टीम बनाओ, अब की बार वो सारा लॉस हमारा रिकवर हो जाए, और आप ऐसे करते करते बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। तो आपका क्या मानना है कि जो नए दर्शक आए हैं वो टीम बनाना चाहते हैं, उन्हें टीम बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनानी चाहिए तो कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एक ही टीम लगानी चाहिए, एक या दो बस, ज्यादा तो लगाएंगे बहुत से बंदे लगाते हैं ना, 20-20 टीम लगा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एक टीम नहीं आएगी तो आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें सब वो उसमें चले जाओगे आप सब। तो मेरे ख्याल से तो एक या दो ही टीम लगानी चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं लगानी चाहिए, फैंटेसी गेम है सब, ये सब आपको बिल्कुल। दोस्तों आपने देखा इस भाई की कहानी कैसे तकरीबन 50,000 के आसपास का लॉस में चला गया, और अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि कैसे उसको रिकवर करे और कैसी इसकी मानसिक स्थिति है वो आप सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं भी आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप ड्रीम इलेवन में अगर टीम बनाना चाहते हो, बनानी या ना बनानी वो फैसला आपके हाथ में है, लेकिन मेरा मुताबिक आपको पैसा केवल इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप होने के लिए तैयार है, वो आपके लक के ऊपर बात है। आपको कुछ पैसे आ गए तो आप कमा भी लोगे, आप लॉस में भी जा सकते हो इस भाई के साथ। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।